तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस गेम के अंदर आ चुका है सुबह सुबह न्यू इवेंट जिसका नाम है लक्की व्हील इवेंट। और गाइस ऊपर टाइम देखो, सुबह के 4:30 बजे मैं आप सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना है। तो चलिए दोस्तों इस इवेंट को फटाफट निकालते और देखते हैं कि कितने डायमंड आपके लगने वाले। और उससे पहले आपको एक चीज बता दूं गाइस, 2 मिनट का वीडियो मैंने रिकॉर्ड करना है भूल गया। आप देख सकते हो मैंने 5 स्पिन अनलॉक कर ली और वीडियो स्टार्ट किया था, बट पता नहीं क्यों स्टार्ट ही नहीं हुआ। कोई ना गाइस, मेरे को 99 डायमंड का लक मिल चुका है। मैं 99 डायमंड में कौन सा बंडल लू, ये वाला बंडल वैसे अच्छा है बट मैं इसको लूंगा नहीं, क्योंकि 99 डायमंड में मुझे कुछ अच्छा बंडल लेना है। बढ़िया डिस्काउंट मिला है गाइस, अच्छी जगह यूज करेंगे। ये बंडल काफी पुराना भी और अच्छा भी लगता है, चलो इसको एक्सचेंज कर लेते हैं 99 डायमंड में। चलो हो जा भाई। ओ भाई कांग्रेचुलेशन आ चुका है। और ये देखो दोस्तों, मेरे को ये बंडल मिल चुका है, काफी अच्छा बंडल है। आपको ये कैसा लगता है लाइक और कॉमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए इसको बाद में इक्विप करेंगे, अब हम स्पिन करते हैं आगे के लिए। देखो कितना लक मिलेगा, 80% लक मिल चुका है गाइस। अब 80% लक में हम क्या ही लेंगे यार, बहुत महंगा सब कुछ मिल रहा है। महंगा तो सब कुछ मिल रहा है बट हमको कुछ ना कुछ तो खरीदना पड़ेगा ताकि इस इवेंट को हम कंप्लीट कर सके। तो भाई क्या खरीदे क्या खरीदे, नेम चेंज कार्ड तो मेरे पास है ऑलरेडी, क्या रिफ्रेश, ओ हो N1040 के क्रेट है ना, ये खरीद लेता हूँ। बट यार डायमंड नहीं है, चलो गाइस मैं फटाफट टॉप अप करके आता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। चलिए रुको 2 मिनट। कैसे हो भाई लोग, आ गया तुम्हारे भाई, टॉप अप करके 230 डायमंड फिर से हो चुके हैं। चलिए फटाफट ये 10 कैरेट खरीद लेते हैं 80 डायमंड में, चलो फायदा ही फायदा है। चलो इसको मैंने खरीद लिया, ओपन बाद में करेंगे। अब मेरे पास बचे हैं 2 डिस्काउंट, क्या मिलेगा मेरे को लगता है 50%। जी हाँ गाइस 50% मिल चुका है, अब क्या लेंगे यार, बहुत सीधा महंगा मिल रहा है भाई, क्या ही ले। चलो एक बार प्राइस फुल चेक करते हैं यार, ये वाला आ जाए ना तो ये मैं बैकपैक खरीद सकता हूँ। नीचे तो मेरे पास 3-4 आइटम है, नीचे वाले आइटम ऑलरेडी है मेरे पास। चलिए गाइस कुछ सस्ता सा रिफ्रेश करके देखते हैं, कुछ तो आएगा ना अच्छा सा, रिफ्रेश करते हैं। इधर तो कुछ सस्ता दिख नहीं रहा, एक बार मेरे को सस्ते वाला आइटम खरीदना पड़ेगा ताकि मैं 9 डायमंड तक पहुँच सकूँ। तो भाई एक बार और रिफ्रेश करते हैं। जी हाँ गाइस ये पांडा वाला बैकपैक आ चुका है, ये मेरे को लेना भी था, चलो इसको ही लेंगे। चलिए गाइस 99 डायमंड में पांडा वाला बैकपैक खरीदेंगे क्योंकि मेरे को 9 डायमंड तक पहुंचना है। तो फटाफट इस बैग को खरीद लेते, काफी प्यारा बैग है, आपको ये कैसा लगता है जरूर से बताना। और ये मेरे को मिल चुका है 9 डायमंड का डिस्काउंट। अब इसमें मेरे को सोच समझ के लेना है कि मैं इसमें कौन सा बंडल लेऊंगा। तो भाई पहले देख लेते हैं, ये वाला बंडल तो मेरे को खास लगा नहीं, पुराना बंडल है हाँ मानता हूँ, बट यार ये बंडल में नहीं लेने वाला। चलो और देखते हैं, ये तो इस इवेंट का न्यू बंडल है ना जो भी आया है, देखते हैं और कोई नीचे बंडल है क्या। ये वाला बंडल फायर वाला तो लेंगे नहीं, इसका पेंट मेरे को अच्छा नहीं लगता पता नहीं क्यों। ये ग्लोल का स्किन काफी अच्छा है, ये मैं नहीं लूंगा। चलो गाइस फटाफट और देख लेते हैं, चलो गाइस ये न्यू वाला बंडल ही ले ले क्या। चलो अरे यार मैं बैक हो गया, चलो फिर से आ चुका हूँ इवेंट के अंदर। और ये 9 डायमंड में किया एक्सचेंज और कांग्रेचुलेशन आ चुका है मेरे को 9 डायमंड में ओपी वाला बंडल। हाँ तो गाइस 9 डायमंड में तो काफी अच्छा बंडल है, पीछे एनिमेशन भी काफी कूल है, बट इसका मास्क नहीं दिया, ये मेरे को थोड़ी खराब लगी। चलो कोई ना, जो है 9 डायमंड में तो अच्छा ही बंडल है। चलो अब देखते हैं, एक स्पिन और करके देखिए क्या गाइस, चलो फटाफट देखते हैं, क्या पता 9 या 99 डायमंड मिल। अरे यार 70% डिस्काउंट हम नहीं लेंगे। चलो मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज मैंने निकाली है, दोनों बंडल आपको दिखा देता हूँ कि दिखने में कैसे हैं। चलो फटाफट चलते हैं वोल्ट में। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस इवेंट में मेरे कितने डायमंड खर्च हो चुके हैं गाइस। देखो 500 डायमंड मैंने पहले उड़ा दिए थे जिसकी मैं आपको बता रहा था ना, रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं कर पाया। और फिर 200 डायमंड का टॉपअप मैंने किया, यानी कि 700, 750, 800 डायमंड मेरे लग चुके हैं। तो गाइस एक तो ये बंडल मेरे को मिल चुका है, काफी मस्त बंडल है ये किंग वाला बंडल, काफी ओपी बंडल लगता है। और दूसरा बंडल कौन सा था, हाँ ये वाला गाइस, ये वाला एक बंडल मेरे को मिल चुका है, चलो मैं आपको पहन के दिखा देता हूँ। ओहो काफी मस्त लग रहा है यार, इसके सर पे किंग वाला ताज। और मैंने क्या लिया था, इमोट में एक इमोट भी खरीदा था मैंने, रिकॉर्डिंग नहीं की थी, चलो ये वाला इमोट मैंने खरीदा था, चलो कोई ना। और कलेक्शन में मैंने 2 बैकपैक भी खरीदे थे, एक रिकॉर्डिंग से पहले एक आपके सामने खरीदा था। तो ये दोनों बैकपैक है जो मैं पेंडा वाला रखने वाला हूँ, काफी मेरे को प्यारा ये बैकपैक लगता है। और हाँ गाइस मुझे पता है वॉइस थोड़ा खराब आ रहा होगा क्योंकि 4 बजे तो ऐसा ही आएगा, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। उसके बाद मैंने ईवो टोकन के बॉक्स खरीदे थे, इनको मैं बाद में ओपन करूंगा, चलो मैंने आपको दिखा दिया। अब मैंने जो एक ग्लोल का स्किन भी खरीदा था रिकॉर्डिंग से पहले, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा ग्लोल मैंने खरीदा है। चलिए गाइस फटाफट ग्रेनेड वाले ऑप्शन में जाते हैं और इसमें नीचे ग्लोल में जाते हैं। ये देखो गाइस ये रेड वाला ग्लोल मेरे को काफी पसंद था पहले से और ये आज मेरे को मिल भी चुका है, काफी अच्छा ये ग्लोल का स्किन है। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आए होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करना। तो गाइस मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।